too disgusting a question. क्यों आपको disgusting question पूछने? It's too disgusting a question. Rumors है कि यामी और पुलकित के बीच इलू इलू हो गया जब they were shooting Sanam Ray. प्रॉब्लम थी कि पुलकित की ऑलरेडी सलमान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा से शादी हो चुकी थी. मीडिया में ऑलरेडी पुलकित और यामी के इश्क विश्क के रूमर्स थे और ऐसे भी न्यूज आ रही थी दैट यामी एंड पुलकित हैव मूव्ड इन टुगेदर. इस अफेयर को मीडिया में दोनों यामी और पुलकित डिनाई कर रहे थे. इनफैक्ट वो अपने रिलेशनशिप स्टेटस के क्वेश्चंस को डिप्लोमेटिकली अवॉइड भी कर रहे थे, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी ने पुलकित और यामी की मूवीज को ओवरशैडो कर ही दिया. सनम रे के रिलीज होने के कुछ दिन पहले पुलकित और श्वेता ने अपने डिवोर्स का डिसीजन अनाउंस कर दिया और रूमर्स थे कि इस अनसक्सेसफुल मैरिज के पीछे थी यामी गौतम. फिल्म इंडस्ट्री और फैन शॉक में आ गए जब पुलकित की वाइफ श्वेता ने यामी को होम ब्रेकर का टैग दे दिया. श्वेता ने कहा, यस यामी ब्रोक माय मैरिज, आई फाइनली कम आउट ऑफ माय इल्यूजन, सो मेनी पीपल कैन नॉट लाई, एवरीथिंग वाज फाइन बिटवीन अस अंटिल वन पर्सन केम इन बिटवीन. यामी कई देर से आपके बारे में कई चीजें खबर आ रही है. श्वेता ने कहा है कि आप चले चले मैं बोल देती हूँ. ऐसा है कि इतनी हम इतने अच्छे ओकेजन के लिए यहाँ पर आए हैं, सच अ ब्यूटीफुल ओकेजन, क्यों आपको डिस्गस्टिंग क्वेश्चन पूछने हैं? बिकॉज आई एम नॉट हियर टू रिप्लाई एनीथिंग व्हिच इज नॉट वर्थ. अपेरेंटली इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण यामी ने अपने आप पुलकित से थोड़ा दूर कर दिया. खबर ये भी है कि यामी और पुलकित एक दूसरे के साथ रोमांटिक फिल्म करने से डर रहे हैं. शायद उनको इस बात की घबराहट है कि जो कंट्रोवर्सी ठंडी हो गई वो वापस फ्रंट पेज की न्यूज ना बन जाए.